और कुर्स्क में रूसी सैनिकों का सरेंडर जारी है। रूसी सैनिकों की पूरी यूनिट ने सरेंडर किया है। अब तक 100 से अधिक रूसी सैनिक सरेंडर कर चुके हैं। और पिछले 5 दिन से रूस में तबाही का जलजला आया हुआ। यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले करके रूस को दहला दिया है। क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग के बाद फैसला हुआ है। पहले रूस अपने देश की सुरक्षा करेगा और फिर आक्रमण के लिए रणनीति बनाएगा। दरअसल ये यूक्रेन का प्लान है कि रूस को हमलों में उलझाकर क्रीमिया फतेह कर लिया जाए और इसके लिए सुपर फाइटर जेट F-16 का इस्तेमाल करेगा। यानी क्रीमिया पर कब्जे के लिए काले सागर में रूस यूक्रेन में घमासान जंग शुरू हो सकती है। अभी तक युद्ध में पैंफुट पर रहा यूक्रेन अब हमलावर हो चुका है। यूक्रेन इतने ताबड़तोड़ हमले कर रहा है कि रूस को संभालने का मौका नहीं मिल पा रहा। एक तरफ रूस को F-16 से स्ट्राइक का डर है, वही ड्रोन और मिसाइल से भी यूक्रेन ने तबाही मचाई है। यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, रूस जल रहा है, लेकिन यूक्रेन रुकने वाला नहीं। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है, काउंटर ऑफेंसिव 2 का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च हो चुका है, अब रूस की खैर नहीं। यानी यूक्रेन अब और ज्यादा विध्वंसक हमले करेगा। क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता है, इसीलिए उसने सबसे पहले क्रीमिया पर कब्जे का प्लान तैयार किया है। यूक्रेन ने कुछ घंटे पहले 6 शहरों को दहलाया, जिसमें रूस के एयरबेस भी शामिल हैं, जबकि 48 घंटे पहले भी इसी तरह का हमला किया था, तब भी रूस के एयरबेस पर हमला किया गया था। पिछले 5 दिन से यूक्रेन के इसी तरह के हमले जारी हैं। ये रूसी एयरबेस पर हमले का वीडियो है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। देखिए कैसे आग के लपटों में रूसी एयरबेस घिर गया। कई फीट ऊंची आग की लपटें निकलने लगी। अब इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए, जिसमें लिपेट्स के मिलिट्री एयरफील्ड को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। इसमें से एक तस्वीर हमले से पहले की है, जबकि दूसरी तस्वीर हमले के बाद की है। दोनों ही तस्वीरों को सैटेलाइट से लिया गया है। हमले के बाद की तस्वीरों से साफ है कि कितना विध्वंसक हमला किया गया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने कैमिकाज़ी ड्रोन के अलावा F-16 फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया है। जितना विध्वंसक हमला हुआ है वो ड्रोन से नहीं हो सकता, क्योंकि एयरबेस पर कई फीट गहरे गड्ढे बन गए। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि रूस एयर स्ट्राइक का पर्दा लेकर रहेगा। यूक्रेन पर आज की रात बड़े हमले हो सकते हैं। क्योंकि यूक्रेन ने रूस के उन शहरों को निशाना बनाया है जहां मिलिट्री बेस, एयरबेस और ऑयल डिपो हैं। कई जगहों पर मिलिट्री कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया गया है। इस इमारत पर हमला किया गया जिसमें कई खुफिया दस्तावेज भी चल गए। इसी तरह सेंट पीटर्सबर्ग के वेयरहाउस में हमले के बाद आग लग गई, जो 800 मीटर के इलाके में फैल गई, जबकि बेलगोरोद में घुसे यूक्रेनी सैनिकों ने भी भारी तबाही मचाई है। कुछ घंटे पहले रूस के कई शहरों पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए। लिपेट्स में मौजूद मिलिट्री बेस पर बम गिराए, जिससे भारी तबाही हुई।
इसी तरह बेलग्रोद में मौजूद हथियार डिपो को भी खाक कर दिया, जबकि क्रीमिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले कर्च ब्रिज पर भी ड्रोन स्ट्राइक की गई। साथ ही वोरोनिश में प्रशासनिक इमारत को तबाह कर दिया। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग के वेयरहाउस में हमला इतना विध्वंसक था कि उसमें आग लग गई। रूस का दावा है कि हमले F-16 से किए गए हैं, जबकि यूक्रेन इसे ड्रोन से किए हमले बता रहा है। पिछले 5 दिन में यूक्रेन ने 10 मिलिट्री बेस पर हमले किए हैं। रूस ने दावा किया है कि ये हमले F-16 से किए गए हैं। वैसे भी F-16 आने के बाद से ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। हालांकि हमले का ब्लूप्रिंट पेंटागन ने तैयार किया है, यूक्रेन अब पूरी तरह से पेंटागन के इशारे पर युद्ध में आगे बढ़ रहा है। एक तरफ यूक्रेन के सैनिक घुसपैठ करके कुर्स में तबाही मचाकर आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ F-16 के निशाने पर अब दूसरे बेस है। क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है जिससे एटमी ठिकानों को सुरक्षित किया जा सके, क्योंकि यूक्रेन रूस के एटमी ठिकानों पर बम गिरा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस में तबाही का जलजला आ जाएगा। यूक्रेन के टारगेट पर रूस के एटमी ठिकाने हैं, जिसमें पहला टारगेट कीव से 646 किलोमीटर दूर कोजल्स न्यूक्लियर मिसाइल बेस है। इसके बाद दूसरा टारगेट 1200 किलोमीटर दूर है, जो तातिश्चेवो न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड है। टारगेट 3 पर उजहर न्यूक्लियर मिसाइल साइलो का नाम आ रहा है, जो यूक्रेन से 1400 किलोमीटर दूर पड़ता है। टारगेट 4 पर दोम्बारोवस्की न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चिंग साइट है, जो आर्कटिक के पास है और कीव से करीब 2400 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा टारगेट नंबर 5 पर 2000 किलोमीटर दूर कातलिए न्यूक्लियर मिसाइल साइट है। टारगेट 6 पर 2700 किलोमीटर दूर एलिस्क न्यूक्लियर मिसाइल बेस है, जिसे यूक्रेन अमेरिकी F-16 से तबाह करने की कोशिश में है। इसके अलावा क्रीमिया को लेकर भी काले सागर में भयंकर युद्ध शुरू हो सकता है। एक तरफ यूक्रेन ने सी ड्रोन की बटालियन उतार दी है, जिसके निशाने पर रूसी युद्ध पोत है। हालांकि रूस ने ओडेसा पोर्ट पर हमले के लिए इस्कंदर मिसाइलें लगा दी हैं, जिसे यूक्रेन हमला करने से पहले नई रणनीति बनाने में जुट गया है। उधर रूस ने क्रीमिया ब्रिज की सुरक्षा बढ़ा दी है, कॉम्बैट शिप लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वहीं सेवस्तोपोल बेस पर S-400 की संख्या बढ़ा दी है, जिससे मिसाइल स्ट्राइक को रोका जा सके। इसके अलावा रूस नोवरोसिस्क बेस से वॉरशिप को दूसरे बेस पर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि क्रीमिया के एयर स्पेस के पास यूक्रेन के F-16 देखे गए हैं। यानी यूक्रेन क्रीमिया पर ध्वज फहराने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। रूसी सैन्य ठिकानों और एयरबेस पर हमले ध्यान भटकाने के लिए किए जा रहे हैं, जिससे रूस डिफेंसिव हो जाए और यूक्रेन क्रीमिया पर हमला करके वहां से रूसी फौज को खदेड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।